कहते हैं 250 साल पहले सपने में आए थे भगवान, फिर लिया धरती पर अवतार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलदाऊ भगवान की। जन्माष्टमी के मौके पर हम आपको लेकर चलते हैं एटा जिले से 65 किलोमीटर दूर एक ऐसे मंदिर में, जहाँ बलदाऊ ने स्वयं प्रकट होने की बात पुजारी के सपने में आकर कही थी। माना जाता है इस मंदिर में हांडी चढ़ाने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। आज जन्माष्टमी का पर्व है, आज यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर में आए हुए हैं, यादव जी का मंदिर 250 वर्ष पुराना है और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और क्या नाम है, यहाँ पे हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। दाऊ जी की अच्छी यात्रा यहाँ पे निकाली जाती है, हर काम शुभ होता है यहाँ पे, जो भी जो कोई मनोकामना मांगता है हर किसी की पूरी होती है। एक ओर जहाँ पूरे देश में जन्माष्टमी की तैयारियाँ चल रही हैं, कृष्ण नगरी मथुरा और वृंदावन भी जगमगा रहे हैं, वहीं बलदाऊ जी के मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हांडी चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। भगवान के जन्मदिन के मौके पर कृष्ण भक्त झूम रहे हैं और जन्म की उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। दाऊ जी महाराज और रेपती जी बाबा पर बाबा को सपनों दो बाबा कुंदन लाल को तराई क्षेत्र में मिस्त्री बावलपुर है, मिस्त्री बावलपुर में वहाँ प्रकट भये थे गंगा में, गंगा से बाबा लाए थे। रथ यात्रा में तो ये पूड़ी बनते हैं, घुया बनते हैं, सब्जी बनते हैं, कहीं बूंदी को बोले बांटते हैं, कहीं हलवा को प्रसाद बांटते हैं। आज के दिन हर घर में कान्हा जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कहीं कान्हा को रिझाने के लिए दही हांडी फोड़ी जा रही है, तो कहीं नन्हे नन्हे बच्चों को कान्हा बनाकर सजाया जा रहा है। वहीं एटा जिले के इस मंदिर में सैकड़ों किसान अपनी अच्छी फसल के लिए फसल का एक भाग बलदाऊ जी को समर्पित करते हैं। हाँ, भादों के महीने में भाद्रपद में लोग हंडा चढ़ाने आते हैं और उनकी कामनाओं की प्रतिपूर्ति हमारे दाऊ जी महाराज करते हैं। शोभा यात्रा के बारे में भी कहा जाता है। यहाँ आषाढ़ी पूर्णिमा को जब जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा निकलती है, उसी समय यहाँ भी भगवान दाऊ जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली जाती है। बहुत भव्य शोभा यात्रा यहाँ निकाली जाती है, लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ एकत्रित होती है और तमाम घुया और पूड़ी का, देशी घी का प्रसाद, बूंदी का प्रसाद, हलवा का प्रसाद बनवाकर सर्वत्र वितरित किया जाता है। बहुत भव्य झांकियाँ निकाली जाती हैं यहाँ के लिए, झांकियाँ एटा और अन्य फर्रुखाबाद स्थानों से बुलाकर बहुत भव्य शोभा यात्रा निकाल दी जाती है, वो इस जिले में देखने योग्य शोभा यात्रा है। अकेले कान्हा जी का जन्मदिन तो देश में हर कोई मना रहा है, लेकिन ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ कान्हा जी का जन्मदिन पूरे परिवार के साथ मनाया जा रहा है। शायद इसीलिए कहा गया है कि राधा की भक्ति मुरली की मिठास, माखन का स्वाद और गोपियों का रास, सब मिल के बनाते हैं जन्माष्टमी का दिन खास।